हेलो एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। जस्ट एक ब्लॉग अभी अभी एंड की हूँ और एक ब्लॉग फिर से स्टार्ट कर रही हूँ। जैसे कि उस ब्लॉग में मैं आप लोग को बताई थी कि मैं कालाकांत का रेसिपी आप लोग के साथ शेयर करूँगी, और एक गुड न्यूज़ है जो मैं उस ब्लॉग में शेयर की थी, मेरा फर्स्ट पेमेंट आया है। इसलिए तो देखिए, मैं बोली थी ना कि कालाकांत का रेसिपी शेयर करूँगी, अपने हाथों से मिठाई बना के आप लोग को खिलाऊँगी। तो इस वजह से मैं अभी से स्टार्ट कर रही हूँ ब्लॉग। और कालाकंद बनाने के लिए छेना और खोया चाहिए, तो खोया हम बाद में बनाएंगे, फर्स्ट हम पनीर बना लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने दूध को फाड़ लिया है, 1 लीटर दूध लिया था, दूध बॉयल हो चुका था तो और दूध को थोड़ा सा ठंडा कर लिया था। फिर उसके बाद 1 नींबू से मैंने दूध को फाड़ लिया है। अभी देखिए, मैं दुपट्टा से इसको छान लूँगी, और मैंने ये वाला दुपट्टा ली हूँ, आप वाइट कलर का भी ले सकते हो। तो ये वाला दुपट्टा का कलर जो कि नहीं छूटता है, इसी से मतलब यही वाला दुपट्टा से मैं पनीर यानी कि छेना बनाती हूँ, तो इस वजह से मैं मतलब कलरफुल दुपट्टा ली हूँ, ये इसका कलर नहीं जाता है। तो इस पनीर को मैं 2-3 पानी से अच्छे से धो लूँगी, क्योंकि देखिए नींबू से बनाई हूँ ना, तो नींबू का थोड़ा सा स्मेल आ जाएगा। और 2-3 पानी से अगर पनीर को अच्छे से धो लेंगे ना, तो बहुत ही सॉफ्ट बनेगा पनीर। इसलिए हम पनीर को 2-3 पानी से अच्छे से धो लेंगे। तो एक ब्लॉग में मैं पनीर सैंडविच बनाई थी, तो पनीर बनाई थी ना, तो उस ब्लॉग में मैं आप लोग को बोली थी कि पनीर जब भी मैं बनाऊँगी तो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो देखिए, इस तरीके से पनीर अगर बनाएंगे तो मार्केट जैसा ही पनीर बनेगा, बल्कि मार्केट से ज़्यादा टेस्टी बनेगा। तो देखिए, मैं 2-3 पानी से धो ली हूँ, अब इस तरीके से ना गांठ बांध लेंगे, और पनीर में थोड़ी बहुत जो एक्स्ट्रा पानी है उसको हाथ से मैं इस तरीके से निचोड़ लेंगे। और इस पनीर के ऊपर भारी कुछ चीज़ रखेंगे, जैसे सिलबट्टा या रोटी बेलने का चकला, क्योंकि देखिए पनीर से जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए, इसीलिए भारी भरकम चीज़ उस पर रखना होगा। और मैं आप लोग को बताई थी ना कि चिकन भी लेकर के आए हैं, तो मैं सोची जब तक पनीर बन रहा है तब तक मैं इस साइड में चिकन बना लेती हूँ। तो पनीर बन के जब तैयार हो जाएगा, फिर उसके बाद मैं कलाकंद बनाऊँगी, और पनीर बनने में लगभग 2 घंटा टाइम लगेगा, तो इसीलिए मेरे पास 2 घंटा टाइम है, तब तक मेरा चिकन और रात का खाना जो है वो बन के तैयार हो जाएगा। और चिकन को देखिए कितने अच्छे से मैं क्लीन कर रही हूँ, चिकन मटन मछली को मैं बहुत अच्छे से क्लीन करती हूँ, और वो सब क्लीन करने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं फटाफट से खाना बना लेती हूँ, फिर उसके बाद कालाकंद का रेसिपी भी तो आप लोग के साथ शेयर करना। और फ्रेंड्स, आप लोग कालाकंद की रेसिपी को बहुत अच्छे से देखिएगा और बनाइएगा, बिल्कुल एकदम हलवाई जैसे बनता है। चलिए फ्रेंड्स, कालाकंद बना लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया था, कढ़ाई गर्म हो चुका है, उसके बाद मैंने 1 चम्मच घी ऐड कर दिया है, घी मेल्ट हो चुका है। अभी हम दूध डालेंगे, 1 कप के करीब दूध डाला है, और वो भी मलाई वाला दूध। और इसके बाद हम डालेंगे शक्कर, तो शक्कर मैंने कम डाला है, क्योंकि इसके बाद मैं मिल्क पाउडर भी ऐड करूँगी, और इस कालाकंद का मीठा जो कि है वो थोड़ा सा लाइट रहेगा बोल के। फिर उसके बाद देखिए, 1 कटोरा भर के मैंने मिल्क पाउडर ऐड किया है, इसको कंटिन्यू चलाएंगे ताकि गांठें ना जमे, इस तरीके से देखिए। और ये थोड़ा सा सूख चुका है, हम ना फुल फ्लेम में बना रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद 1 इलायची को मैंने कूट के डाल दिया है, ताकि इसका अच्छा फ्लेवर आए। और देखिए फ्रेंड्स, आप लोग गौर से देखिएगा, इसको तले से चम्मच को लेते हुए किनारों तक इसको चलाते रहेंगे, ताकि देखिए किनारों में ना मलाई जमता है, उसको भी चलाते हुए हमको इस तरीके से बनाना है, ताकि मलाई भी ना एकदम से तले में ना लगे, एकदम से ना जले। अगर इसको कंटिन्यू नहीं चलाएंगे ना, तो तले से ये जल जाएगा और पूरा रेसिपी बेकार हो जाएगा। तो मैं जो पनीर बनाई है ना, उस पनीर का मैंने चूरा बना लिया है, और देखिए खोया बन गया है। फिर इसके बाद ही मैंने पनीर को ऐड किया हुआ है, और पनीर को ऐड करने के बाद इसको भी कंटिन्यू चलाना होगा, ताकि खोया के साथ पनीर अच्छे से मिल जाए। और इसको अभी लगभग 2 मिनट और पकाना होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये इंस्टेंट वाला कालाकंद का रेसिपी है, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा दूध नहीं था, मतलब दूध वाला जो कालाकंद होता है ना, उसके लिए 2 लीटर दूध चाहिए होता है, 1 लीटर खोया बनाने के लिए और 1 लीटर पनीर बनाने के लिए। तो उतना दूध नहीं था और कालाकंद बनाना ज़रूरी था, तो इसीलिए मैंने इंस्टेंट वाला बनाई हूँ, किसी दिन वो भी शेयर कर दूँगी। सो फ्रेंड्स, देखिए कालाकंद का जो पूर है वो एकदम बन के रेडी हो चुका है। इसका कंसिस्टेंसी ना कुछ इस तरीके से होना चाहिए, मतलब ऐसे होना चाहिए, तब जाके ये जमेगा। और इसके बाद का जो प्रोसेस है मैं वो आगे आप लोग को बताऊंगी।
सो फ्रेंड्स, देखिए मैंने एक प्लेट ले लिया है। हाँ, वो प्लेट चिकना होना चाहिए, चाहिए वो जैसा भी हो। फिर इसके बाद जो कालाकंद का पूर है, मैं उसको इस प्लेट में रख दूंगी। फिर उसके बाद ना इस स्पैचुलर के मदद से इसको इस तरीके से चिकना करूंगी। और इसका शेप तो आप लोग अब सबको पता होगा कि इसका शेप ना फ्लैट टाइप का, चोको टाइप का होता है, तो उसी टाइप का शेप देने की कोशिश कर रही हूँ मैं। तो इस स्पैचुलर के मदद से इसको बहुत अच्छे से चिकना कर रही हूँ। और बस इसके बाद मैं ड्राई फ्रूट, कटी हुई ड्राई फ्रूट डाल रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने बादाम और पिस्ता डाल रही हूँ। और फिर इसके बाद ड्राई फ्रूट को ना उसको भी स्पैचुलर के मदद से उसको भी इस तरीके से बिठा देंगे। और इसको सेट करने के लिए हम फ्रिज में रख देंगे, ये 1 घंटा में सेट हो जाएगा, फिर उसके बाद काटेंगे। और यहाँ पर देखिए, तब तक मेरा चिकन बन के रेडी हो चुका है, अभी हम लोग डिनर कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, देखिए वो मना सेट हो चुका था, मैंने काट भी लिया है और फाइनली मैं अभी आप लोग को दिखा रही हूँ। तो देखिए कितना अच्छा दिख रहा है, जिससे दिखने में अच्छा लग रहा है, खाने में उससे भी ज़्यादा टेस्टी था। आप लोग ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। और मैं आप लोग को दिखा रही हूँ कि देखिए ये कितना दानेदार कालाकंद बना है, जैसे हलवाई जैसा एकदम। और ये मैं खिला रही हूँ आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों के लिए ही मैं बनाई हूँ ना, तो आप लोग भी खा लीजिए। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज नेक्स्ट मॉर्निंग है और मैंने मुँह हाथ धो लिया है। सुबह का कुछ कुछ काम भी थोड़ा बहुत कर लिया है, ज़्यादा से मैं नहीं कर पाई हूँ। और अभी का टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया है, 9 बज चुका है। तो यहाँ पे देखिए बन रहा है छोला चने, और यहाँ पे बॉइल हो रहा है एक, और आज का ब्रेकफास्ट यही होगा। और चने जब बॉयल मतलब बन के तैयार हो जाएगा, फिर उसके बाद मैं बनाऊँगी उस पर चाय। और आटा भी गूंदा हुआ है, मैं अगर आरुष से पूछूंगी, इनको पूछूंगी अगर पराठा खाना होगा तो मैं पराठा बना लूँगी, अदरवाइज नहीं बनाऊँगी। तो चलिए देखती हूँ। गला पूरा बैठा हुआ है, वॉइस पूरा चेंज हो गया है गला का, गले के चलते। और बहुत ज़्यादा ये गला ना बहुत ज़्यादा खांसी भी हो रहा है, मतलब यहाँ पे खिच 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 हो रहा है, तो खांसी भी हो रहा है, खांसी का भी दवाई ले रहे हैं। और फीवर नहीं है, सिर्फ सर्दी जुकाम ही है। और तो चलिए मैं सोची सबसे पहले मैं आप लोग से बात कर लेती हूँ और फिर इसके बाद मैं काम स्टार्ट करती हूँ। तो काम एकदम से मतलब कंटिन्यू स्पीड से काम नहीं कर पा रही हूँ, मतलब एकदम कंटिन्यू स्पीड से काम नहीं कर पा रही हूँ, रुक रुक के रेस्ट ले लेकर कर काम कर रही हूँ। तो घर का झाड़ू, घर को झाड़ू लगा दिया है, घर बिस्तर जो कि है उसको भी समेट लिया है, और बोतल को नहीं धो पाई हूँ आज, पानी ऐसे ही रखा हुआ है, अभी ब्रेकफास्ट करने के बाद पानी वगैरह रखूँगी। तो ऐसा है, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं डेली ब्लॉग नहीं दे पा रही हूँ, क्योंकि ब्लॉगिंग कर ही नहीं पा रही हूँ। और दवाई ले रही हूँ, तो बहुत जल्द ठीक हो जाऊँगी, तो फिर से मैं डेली ब्लॉग ही दूँगी। ये बाबू का प्लेट, ये जो कालाकंद देखो कालाकंद कैसे बनाए बाबू, बोलो। अच्छा बनाया, स्वीट्स स्वीट के मिठाई से बनाया। खाओ खाओ। पेपू 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 पेपू। और अभी हम लोग कर रहे हैं नाश्ता। तो जो कल शाम में बनाई थी हलवाई जैसे दानेदार कालाकंद, तो आप लोग भी आ जाइए हम लोग के साथ नाश्ता करने के लिए, और ये बहुत ही टेस्टी बना था। और नाश्ता करने के तुरंत बाद ही मैंने नहा लिया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी था इसलिए। और मेरा
हेयर को ड्राई कर रहा है मेरा बेटा ड्रायर से, उसको इस सब काम में बहुत मन लगता है। बाबू मेरा बहुत अच्छा बन गया है, पहले बहुत ज़्यादा चंचल था, तो अभी उसको ना काम करने में एक्चुअली बहुत मन लगता है। उसको कुछ काम बोलो ना तो वो बहुत खुश हो जाता है, ये मतलब खुशी खुशी वो करने लगता है। और बदमाशी चंचल जो है ना वो उसका बहुत कम हो गया है। और बस इसके बाद मैं खाना बना लूँगी। सो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे मैं आप लोग को दिखा रही हूँ बाहर का मौसम, देखिए कैसा है। थोड़ा सा भी धूप नहीं है, बारिश भी नहीं है, बादल भी नहीं है, हवा भी नहीं चल रहा है, उसके बावजूद भी गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो ऐसा अजीब मौसम करके रखा है। और यहाँ पे मैं कुछ कपड़ा को डाल दी हूँ सूखने के लिए, ये धुल चुका है। और बस इसके बाद मैं किचन में जाऊँगी खाना बनाने के लिए। सो फ्रेंड्स मैं किचन में आ चुकी हूँ, खाना भी बन चुका है लगभग। बहुत सारा आलू भिंडी की भुजिया बना ली हूँ, राइस बना ली हूँ, दाल बना ली हूँ। अब सिर्फ अभी हम लोग लंच करेंगे, तो इसलिए मैं गर्मा गर्म रोटियाँ सेक रही हूँ, वो भी मैं अपने लिए, क्योंकि मुझे अभी बहुत ज़्यादा ज़ुकाम हो गया है। तो इसीलिए मैं दोनों टाइम दोपहर और रात में मैं रोटी खा रही हूँ ताकि ज़ुकाम जल्दी से ठीक हो जाए। और मुँह में ना कुछ अच्छा टेस्ट भी नहीं लग रहा है, मतलब राइस खाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। तो इसलिए मैं अपने लिए दो तीन रोटियां बना लूँगी, बस उसके बाद लंच कर लेंगे। सो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए सोफे पे बैठ के मैं कर रही हूँ लंच। तो आप लोग सोचोगे कि मैं ये अकेले लंच क्यों कर रही हूँ। एक्चुअली बात ये है कि अभी दोपहर का टाइम, मतलब सावधान इंडिया हो रहा है जो मेरा फेवरेट शो है, आप सबको पता होगा, तो मैं वही देखते देखते लंच कर रही हूँ। ये लोग डाइनिंग टेबल में, मतलब बाबू और हस्बैंड डाइनिंग टेबल में लंच कर रहे हैं, तो मैं ना रोटियाँ खा रही हूँ, तो प्लेट बस इधर लेकर के आ गई हूँ और बस लंच कर रही हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स आज का वीडियो भी यहीं पेंट करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को पसंद आएगा। अगर थोड़ा सा भी पसंद आए तो मेक श्योर लाइक करना, जो भी मेरे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करना। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।